हेलो बच्चों मिशन शिक्षण संवाद की तरफ से हम आप सभी का इस्ताल करते हैं आज हम बच्चों पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों हर भाषा में इस प्रकार के शब्द मिलते हैं हिंदी भाषा में भी ऐसे शब्दों की कमी नहीं है जो समान अर्थ देते हैं इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं बल्कि लगभग समान ही होता है ये जो शब्द होते हैं बच्चों प्रायवाची शब्द जो होते हैं ये बिल्कुल एक तरह से नहीं होते हैं बल्कि थोड़े अलग होते हैं तीन का भर अलग जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है किंतु वे सब शब्द उस उसके अर्थ से संबंधित होते हैं अब हम जानते हैं जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है क्या कहा जाता है जो एक सा अर्थ बताते हैं उन शब्दों को बच्चों क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं इनको हम यो भी कह सकते हैं कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एक उदाहरण दिया है जैसे शब्द है और एक शब्द है अनुपम अब देखिए कि उसके कितने पर्यायवाची हैं एक अनुपम को हम अनूठा भी कह सकते हैं अनोखा भी कह सकते हैं निराला भी कह सकते हैं अपूर्व भी कह सकते हैं और अद्वितीय भी हम कह सकते हैं ये नहीं है कि एक शब्द के कितने ही पर्यायवाची शब्द हम देखने को हमें मिल जाएंगे आपने देखा कि उपयुक्त सभी शब्द एक शब्द अनुपम के व्यंजक हैं अब हम ये जो है ये जो अनुपम है अनोखा है निराला है तो ये क्या है? है इसके अनुपम शब्द के व्यंजक है हिंदी के कुछ प्रचलित और महत्वपूर्ण शब्द हैं जो निम्न प्रकार हम देख सकते हैं जैसे बच्चों अग्नि है अग्नि का माने क्या होता है आग है ना जो आग आप जलाते हैं और उसे अनल भी कह सकते हैं हम और पावक भी कह सकते हैं अश्व अश्व का माने जानते हो कि घोड़ा घोड़े को हम और क्या कह सकते हैं तुरंग भी कह सकते हैं और बाजी भी कह सकते हैं कमल कमल का फूल है ना उसको हम जलज भी कह सकते हैं नीरज भी कह सकते हैं और अम्बुज भी कह सकते हैं अब देखिए घर घर को बहुत से लोग घर भी कह देते हैं गृह भी कह देते हैं भवन भी कह देते हैं और आवाज़ भी कह देते पहाड़ पहाड़ का एक मतलब क्या होता है कि पर्वत पर्वत को क्या कहते हैं दूसरा गिरी और क्या, फिर उसको क्या कहते हैं नग नग का भी वही है पहाड़ गिरी, गिरी का शब्द भी गिरी का अर्थ भी क्या होता है बच्चों पहाड़ ही होता है अब देखते हैं फूल फूल को पुष्प भी, भी कह सकते हैं सुमन भी कह सकते हैं और कुसुम भी कह सकते हैं अब सूर्य के पर्यायवाची देखते हैं कि सूर्य को रवि भी कह सकते हैं दिनकर भी कह सकते हैं और पतंग भी कह सकते हैं अब देखिए ईश्वर के पर्यायवाची ईश्वर यानी कि प्रभु परमात्मा ईश जैसे बहुत से लोग ईश्वर कह देते हैं बहुत से लोग प्रभु कहते हैं और बहुत से लोग परमात्मा कहते हैं और बहुत से लोग क्या कह कहते हैं ईश कहते हैं बच्चे इससे पहले हमने आपको अभ्यास कार्य करने को दिया था हमें उम्मीद है कि आपने अभ्यास कार्य कर लिया होगा आज फिर हम आपको अभ्यास कार्य करने को दे रहे हैं आप बहुत दिलचस्पी से और अच्छे से अपनी कॉपी पर कीजिएगा इसका पहला प्रश्न है बच्चों कि पर्यवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है कि सूरज के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य को क्या क्या कहा जाता है रवि भी कहा जाता है है ना तो आपको तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं बच्चों आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद